गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू पोएम बुक्स। स्टूडेंट्स, इस पोएम का नाम जो है वो है बुक्स, किताबें। आप सभी को पता है बुक्स क्या होती हैं, किताबें। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम फ्रॉम हेयर। कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर। कम इन का मतलब होता है अंदर आओ, अंदर आओ। सेट द लाइब्रेरी डोर, सेट कहा लाइब्रेरी डोर, पुस्तकालय का दरवाज़ा। तो जो लाइब्रेरी होती है, आप सभी को तो यही पता होगा कि लाइब्रेरी जो होती है वो जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं और जहाँ हम बुक्स को रीड करने के लिए जाते हैं, उसको लाइब्रेरी कहते हैं। लेकिन हिंदी में इसको हम पुस्तकालय भी कहते हैं। तो अंदर आओ, अंदर आओ, ये कौन कह रहा है? लाइब्रेरी का दरवाज़ा कह रहा है। आई ओपन्ड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर। आई ओपन्ड, मैंने खोला, वाइड चौड़ा, सॉ देखा बुक्स किताबें, गैलोर बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अंदर आओ, अंदर आओ, ये लाइब्रेरी डोर कह रही है। और जब मैंने इसको पूरा खोल दिया दरवाजे को, तो मैंने क्या देखा? बहुत सारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, भारी संख्या में वहाँ पर किताबें थी, वो देखी मैंने। टॉल स्किनी बुक्स, टॉल लंबा, स्किनी पतली, बुक्स किताबें वहाँ पर कैसी किताबें थी? लंबी पतली किताबें। अप हाई ऑन द शेल्व्स, अप हाई ऊपर ऊंचा, शेल्व्स ये देखिए, ये होती हैं अलमारी की शेल्व्स। तो कैसी कैसी किताबें थी? लंबी पतली किताबें और शेल्व्स के ऊपर ऊंची रखी हुई थी। लिटिल फैट बुक्स, लिटिल छोटी, फैट मोटी बुक्स किताबें। और कौन सी किताबें थी? छोटी मोटी किताबें। दैट स्टूड बाई देम सेल्व्स, स्टूड बाई खड़े रहना, जो अपने आप ही ऐसे खड़ी थी, जो छोटी फैट बुक्स थी वो वही वहां पर रखी हुई थी। आई ओपन्ड वन अप, आई ओपन्ड मैंने खोला, वन अप एक, मैंने उनमें से एक किताब खोली। एंड सेट डाउन टू लुक, सेट डाउन होता है बैठ जाना, लुक देखना, और मैं वहां पर वो किताब लेके देखने बैठ गया। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, द पिक्चर्स किताबें, पिक्चर्स होते हैं चित्र, टोल्ड बताना, स्टोरीज कहानियां। तो जो उस किताब में पिक्चर्स थी वो कहानियां बता रही थी। व्हाट अ वंडरफुल बुक, कितनी अद्भुत किताब है। वंडरफुल होता है अद्भुत, बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी, अद्भुत बुक, अद्भुत किताब। तो ये यहाँ पर हम इसको दोबारा से रीड करेंगे। कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर। आई ओपन्ड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स, लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाई देम सेल्व्स। आई ओपन्ड वन अप एंड सेट डाउन टू लुक, द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, व्हाट अ वंडरफुल बुक। तो लाइब्रेरी की जो डोर है वो कह रही है अंदर आओ, अंदर आओ। जब मैंने इसको पूरा खोल दिया तो क्या देखा? बहुत भारी मात्रा में बुक्स देखी, बहुत ज्यादा बुक्स देखी। कैसी कैसी बुक्स थी लाइब्रेरी में? टॉल स्किनी बुक्स, टॉल लंबी, स्किनी पतली बुक्स, अप हाई ऑन द शेल्व्स, जो ऊपर ऊंची शेल्व्स के ऊपर रखी हुई थी। लिटिल फैट बुक्स, छोटी और मोटी किताबें थी जो अपने आप वहां पर खड़ी थी। आई ओपन्ड वन अप एंड सेट डाउन टू लुक, मैंने एक ली और मैं उसको देखने के लिए बैठ गया। The pictures told stories, अब जो बुक में जो पिक्चर्स थी वो पूरी कहानियां बता रही थी। What a wonderful book, कितनी अद्भुत किताब है। तो ये पोयम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये लाइब्रेरी के बारे में है। स्टूडेंट्स, आप में से भी बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं बुक्स पढ़ने के लिए। आपको कैसा लगता है बुक्स को रीड करके?
आप क्या अपनी जो सिलेबस की बुक्स होती हैं उनके अलावा भी आप कोई और बुक्स रीड करते हैं, तो आप ये ज़रूर शेयर करना। अब हम इन न्यू वर्ड्स को रीड कर लेते हैं। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, वाइड चौड़ा, गैलोर भारी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा होना, स्किनी, स्किनी होता है पतला, शेल्व्स, ये देखिए ये लाइब्रेरी की शेल्व्स हैं, अलमारी की शेल्व्स हैं जहाँ पर ये ऐसे बने होते हैं, ये स्पेस होता है जहाँ पर बुक्स को रखते हैं उनको हम शेल्व्स कहते हैं, धारियाँ कहते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल होता है अद्भुत। तो स्टूडेंट्स आप इस पोएम को रीड करेंगे, फिर मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में ये पोएम सुनूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।